इंग्लिश ग्रामर बुक्स चैप्टर नंबर 17 1717 पेज नंबर 62 द नेम ऑफ द चैप्टर इज विल WILL विल आई होप यू ऑल हैव रिटन टुडेस डेट इन क्लास वर्क हैव यू रिटन ओके विल सो बेटा व्हेन टू यूज विल हम विल कब यूज करते हैं दिस वी विल सी इन दिस चैप्टर ओके विल इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं विल वी यूज विल व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तब हम विल यूज करते हैं ठीक है फ्यूचर मीन्स एनीथिंग जो भी बाद में होगा टू डिमॉन्स्ट्रेट लेटर ऑन मीन्स जो चीज हम बाद में करेंगे या हम बाद में करते हैं करेंगे उसके लिए हम यूज करते हैं विल ठीक है हाउ कैसे इफ आई विल से कि आप व्हेन विल यू गो टू प्ले आप प्ले करने कब जाओगे आप बोलोगे इन द इवनिंग हाँ कि मैम मैं गेम खेलने या मैं बैडमिंटन शाम को खेलूंगी तो मतलब फ्यूचर में करोगे ना आप बाद में करोगे लेटर ऑन तो जो भी चीज हम बाद में करते हैं लेटर जहाँ पे हम करें बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे ऐसे वाले वर्ड्स के लिए वी यूज विल ओके लेट्स स्टार्ट रीड अबाउट व्हाट तरुण वांट्स टू डू व्हेन ही ग्रोज अप जब वो तरुण बड़ा हो जाएगा सी ही इज तरुण जब तरुण बड़ा हो जाएगा तो तरुण को क्या करना है आई विल बी अ टीचर मैं टीचर बनूंगा मीन्स फ्यूचर में होगा ना बाद में टीचर बनोगे जब बड़ा हो जाएगा तो आई विल हेल्प माई स्टूडेंट्स मैं अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करूंगा आई विल बी फ्रेंड्स विद देम मैं अपने स्टूडेंट्स का फ्रेंड भी बनूंगा दिस मीन्स जब भी हम कुछ भी बात कर रहे हैं एक ऐसा काम जो बेटा फ्यूचर में होना है जो काम बाद में होगा उसके लिए हम विल यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग जब हम किसी चीज की बात करते हैं दैट वी वॉन्ट टू डू लेटर एक ऐसी चीज जो हम बाद में करेंगे हम कब करेंगे बाद में यस वेरी गुड जो भी हम लेटर ऑन करेंगे बाद में करेंगे उसके लिए हम यूज करते हैं विल और हम विल किसके साथ यूज करेंगे विद डूइंग वर्ड मीन्स कुछ भी एक्शन वर्ड कुछ भी काम करना लाइक माय अंकल विल कम टू इंडिया नेक्स्ट वीक मेरे अंकल नेक्स्ट वीक इंडिया आएंगे तो सी कम क्या हो गया डूइंग वर्ड राइट आएंगे कम सो अब फ्यूचर में हो रहा है ये काम लेटर ऑन होगा सो आई विल एड विल मैं कल फुटबॉल खेलूंगी आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो विल प्ले ओके हम कोई भी वर्ड लिखेंगे आई वी यू दे ही शी इट कोई भी नेम वन नेम और टू नेम थ्री नेम्स एनीथिंग हम सबके साथ बेटा विल यूज करेंगे और डूइंग वर्ड ऐड करेंगे डूइंग वर्ड से पहले वी विल ऐड विल सी आई विल गो टू द पार्क टुमारो वी विल गो टू द पार्क टुमारो सो हम अगर हम वन पर्सन की बात कर रहे हैं या वन से ज्यादा की बात कर रहे हैं चाहे हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं
या किसी थिंग की बात कर रहे हैं। वी ऑलवेज यूज विल। आई होप इट इज क्लियर। लेट अस स्टार्ट। अब आप सेंटेंस बनाओगे, कैसे बनाना है आपको? आई विल गो टू द पार्क। दृष्टि, रिपीट द सेंटेंस। Will play football tomorrow. वेरी गुड। आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो मीन्स मैं आई विल कंप्लीट माई होमवर्क इन द इवनिंग। आई विल स्टडी इन द इवनिंग। ओके, दिस इज योर क्लास वर्क। दिस बुक नोटबुक एक्सरसाइज वी हैव टू डू इन द क्लास वर्क ओनली। ये हम क्लास वर्क में करेंगे। एंड ये टू एक्सरसाइजेस ऑन पेज 63 इज योर होमवर्क बेटा। ये आपका होमवर्क है। इसमें हमें क्या करना है? आई होप यू डैश। तो आप देखो यू के साथ क्या आएगा? गिव, लुक, कम, कीप, डू। और उससे पहले हम विल एड ऑन करेंगे। दिस आई विल टेल यू। आपको एक वर्ड चूज करना है, अप्रोप्रिएट वर्ड, एंड देन वी विल बी एडिंग विल। दिस इज योर क्लास वर्क। बट बिफोर दैट वी विल प्रैक्टिस फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। हम और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे बाय यूजिंग विल। ओके?